ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्लास। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, एंड नया चैप्टर जो है वो बेसिकली है नाउन। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और चैप्टर में से क्वेश्चंस, जो रूल्स हैं उसमें से क्वेश्चंस आ भी रहे हैं। एग्जाम में दिखाऊंगी कौन कौन सा आया। जब रूल्स पढ़ेंगे तो साथ साथ हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, ओके। अभी देखो, नाउन क्या होता है आप सबको पता है। इससे पहले हम जो भी पढ़ के आए हैं बाकी चैप्टर्स में, जितनी भी हमने रफली एक डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, ऐसे ग्रामेटिकली डिटेल में नहीं पढ़ी, बट यस, मैं हमेशा आपको यही बोलती रही हूँ, कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज हो सकती है, या कोई भी बेसिकली यू नो आइडिया, फीलिंग, तो ये सब चीजें बेसिकली क्या होती है? नाउन होती है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा है हमेशा। फर्स्ट चैप्टर जब किया था आर्टिकल्स, तो उसमें भी हमने नाउन देखा था क्या होता है, और नाउन की यही डेफिनेशन हमने वहां पे भी पढ़ी थी। ठीक है, तो ये जो थी अब तक हमें पता थी कि नाउन की ये डेफिनेशन है, राइट। अभी देखो, कि यहाँ पे जो डेफिनेशन गिवन है, यहाँ पे उसको देखते हैं। नाउन आर नेमिंग वर्ड्स दैट आर यूज टू नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज, राइट। इन सेंटेंस नाउन परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। अच्छा, ये डिफरेंट रोल्स कैसे परफॉर्म करेगा ये आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है, बट इसको अभी मैं आपको समझा देती हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहा है। पहली बात, ये डेफिनेशन आई होप सबको समझ आ गई होगी कि कोई भी पीपल, प्लेस, यू नो एनिमल, ऑब्जेक्ट या फिर आइडिया को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस में नाउन क्या है? डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही होता है सर, एक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो यही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब नाउन जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे भी हो सकता है। नाउन कैन बी ऑन दी प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है, वो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी हो सकता है। ठीक है, वो अपॉजिटिव की तरह भी हो सकता है। अपॉजिटिव बेसिकली क्या होता है देखेंगे। ठीक है, वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो भी देखेंगे। हमने सेंटेंस में बेसिक स्ट्रक्चर क्या पढ़ा अब तक? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। तो ये सब हम आने वाले चैप्टर में पूरा देखेंगे कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, अपॉजिटिव क्या है, एडजेक्टिव की तरह नाउन जो है वो रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, अपॉजिटिव में एक्चुअली नाउन एडजेक्टिव की तरह ही रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम बेसिकली वर्ब्स, ठीक है, नाउन कैन ऑल्सो फंक्शन एज वर्ब, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे लेट मी जस्ट इरेज इट। अच्छा, नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह भी फंक्शन कर सकता है, सो इट कैन वर्क एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब ऑल्सो। तो नाउन बहुत सारी, एक सेंटेंस में बहुत सारी प्लेसेस पे हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई सेंटेंस जो है वो नाउन से, यानी सब्जेक्ट से शुरू होता है ना, तो नाउन हमेशा सब्जेक्ट की प्लेस पे ही हो। नाउन कैन बी वर्ब ऑल्सो, नाउन कैन बी ऑब्जेक्ट ऑल्सो, योर नाउन कैन बी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो, योर नाउन कैन बी एडजेक्टिव ऑल्सो, या फिर आपका नाउन जो है वो अपॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो नाउन जो है वो बेसिकली एक सेंटेंस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जो वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि इनका मतलब नहीं पता। ठीक है, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हमने ये नहीं पढ़ा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, वो हम देखेंगे। कब देखेंगे? थोड़ा सा आगे जब हम केसेस पढ़ेंगे ना नाउन के, तब हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, उसको हम डिटेल में करेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लो ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं सेंटेंस में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं, बट ये डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे। ठीक है, देखो, तो ये आई जस्ट होप सबको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नाउन क्या है? पर्सन, प्लेस, एनिमल, ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई भी, यानी थिंग हो सकती है और आइडिया भी हो सकता है। ठीक है, नाउन क्या करता है? डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करता है एक सेंटेंस में, जबकि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
अब सब्जेक्ट की जगह पे भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है नाउन, और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अपोजिटिव भी हो सकता है, अपोजिटिव क्या होता है ये भी देखेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, वर्ब भी हो सकता है। तो आपको ऐसे नहीं लगेगा सेंटेंस में कि वर्ब की प्लेस पे नाउन को यूज नहीं करेंगे। यस, डेफिनेटली वी कैन यूज नाउन एट द प्लेस ऑफ वर्ब ऑल्सो। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। आई होप ये डेफिनेशन अभी के लिए क्लियर हो गई होगी कि नाउन जो है वो डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं उसके सेंटेंस में, मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे बेसिकली क्या हो सकता है, लोकेटेड हो सकता है नाउन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेंटेंस जहां से बिगिन कर रहा है नाउन हमेशा वहीं होगा। नो, दिस इज नॉट कंपल्सरी, राइट? ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको डेफिनेशन। तो नाउन्स को हम एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स ये हुए, फॉर एग्जाम्पल पीपल, रोहित, शाली, मैन। तो कोई भी पर्सन, कोई भी पीपल, नाम भी हो सकता है किसी का। ठीक है, जैसे यहाँ पे नाम मेंशनड है, इन जनरल भी आप बेसिकली किसी पर्सन की बात कर सकते हो, जैसे मैन। अब मैन तो कोई भी हो सकता है ना। ठीक है, उसके बाद वुमेन, वुमेन तो कोई भी हो सकता है ना। ठीक है, उसके बाद द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ नाउन, पर्सन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो जॉनी, पर्सन। तो ये सब बेसिकली क्या है, पीपल के एग्जाम्पल्स हैं, दीज ऑल कैन बी नाउन्स, राइट? प्लेसेस में देखो, प्लेसेस में क्या होगा, और डेफिनेटली प्लेसेस के नाम होंगे। देखो मुंबई इज अ प्लेस, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इंडिया, इटली, साउथ पोल, ब्राजील, द गंगा रिवर इज अ प्लेस, राइट? क्लासरूम इज अ प्लेस, जहां हम पढ़ रहे हैं, क्लासरूम इज ऑल्सो अ प्लेस, राइट? वॉशरूम इज अ प्लेस, बास्केटबॉल कोर्ट, अगर आप बास्केटबॉल खेलते हो दैट इज अ प्लेस, फुटबॉल ग्राउंड इज अ प्लेस, स्विमिंग पूल इज अ प्लेस। ऐसा नहीं है कि प्लेस में आप सिर्फ प्लेस का नाम लिखोगे कि ओके अरुणाचल प्रदेश इज अ प्लेस, ओके इट इज अ प्लेस, बट अरुणाचल प्रदेश में अगर कोई 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 आई गेस कोई रिवर है तो वहां पे भी तो दैट इज ऑल्सो अ प्लेस। कोई अगर सी है, या फिर कोई ऐसी प्लेस है जैसे मुंबई, कोई सी है वहां पे, कोई बीच है, बीच इज ऑल्सो अ प्लेस। ठीक है, तो ये सब बेसिकली क्या आपके प्लेसेस के एग्जाम्पल हैं। बर्ड्स हो सकती हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हो सकते हैं, रेप्टाइल्स हो सकते हैं, वो सब नाउन हो सकते हैं। जैसे देखो टाइगर जो आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल है, डियर इज योर टेरेस्ट्रियल एनिमल, राइट? उसके बाद देखो लिजर्ड रेप्टाइल हो गया, ऑस्ट्रिच बर्ड हो गया, ठीक है, फ्लामिंगो इज अ बर्ड, ठीक है, बियर इज योर टेरेस्ट्रियल एनिमल, डॉग हो गया आपका, ठीक है, फिश जो है आपकी बेसिकली एक्वाटिक एनिमल है, डॉल्फिन इज एक्वाटिक एनिमल, फ्रॉग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ भी चीजें ये नाउन हो सकती है, राइट? आइडियाज कैन बी नाउन, फॉर एग्जाम्पल इन्वेंशन, फॉर एग्जाम्पल इवोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल एक्सटिंक्शन। ठीक है, इन्वेंशन क्या होता है, कोई नई चीज को इन्वेंट करना। इवोल्यूशन क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जब सिंपल से बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमंस जो है कैसे इवॉल्व हुए, ठीक है, तो इवोल्यूशन, राइट? और ये सिर्फ ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं करते, कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको यूज कर लेते हैं। जैसे हमारा कल्चर, आज हम लोग जैसे लाइफस्टाइल रह रहे हैं, इससे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इससे पहले आप देखोगे कि कैसे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उससे पहले भी बहुत पहले जब एप्स थे, वहां से कैसे शुरू हुआ, ठीक है, एप्स जब थे तब वहां से कैसे कल्चर शुरू हुआ, धीरे धीरे पहले वो फोर लेग्स पे चलते थे और उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके से वो टू लेग्स पे चलना शुरू हुआ, और वो सब चीजें किस तरीके से उनका रहना सहना जो है वो चेंज हुआ, लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, एवोल्यूशन, राइट? एक्सटिंक्शन क्या होता है, एक्सटिंक्शन होता है खत्म हो जाना, एक चीज जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी अब नहीं कर रही है, राइट? डिस्कशन, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, डिस्ट्रक्शन, ये सब आइडियाज हैं, राइट? तो आइडियाज कैन ऑल्सो बी नाउन। ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स देखो, वॉल, कार, बेडशीट, स्टोन, बैग, लैपटॉप, डेस्क, पेन, ठीक है, उसके बाद बुक, ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है फ्लास्क, ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है आपका टेबल, ठीक है, उसके बाद हो सकता है चेयर, ठीक है, उसके बाद बेसिकली क्या हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीजें जो कोई भी थिंग है, ठीक है, लाइफलेस है, ठीक है, वो सब बेसिकली आपकी क्या हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट्स या थिंग में आ जाएंगी। ठीक है, आई होप नाउन जो है वो सबको क्लियर हो गया होगा, और इसके सफिशियंट एग्जाम्पल्स भी हमने बेसिकली क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, राइट? ओके ओके, अभी मुझे इतना बताओ, इतना समझने में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? उसके बाद हम टाइप्स शुरू करेंगे, और टाइप्स जो है काफी बड़ा टॉपिक है नाउन में, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स है नाउन के। हमने आज तक सिर्फ सिंपल तरीके से पढ़ा है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन,
ठीक है, तो हमने बेसिक यही नाउन्स पढ़े हैं, या कलेक्टिव नाउन पढ़ा होगा, ठीक है, यही नाउन्स पढ़े हैं हमने, बट इसके अलावा भी नाउन की टाइप्स हैं, तो वो टाइप्स भी हम लोग आज सारी कवर करेंगे। अभी बस इतना बता दो, इतना जितना हमने पढ़ा है, वी हैव जस्ट स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ नाउन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ नाउन हमने की, और उसके अलावा हमने एग्जाम्पल्स किए। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, शैल वी मूव अहेड? ओके, चलिए, अब क्योंकि मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, तो मैं क्या करूंगी, आई विल जस्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका टाइप ऑफ नाउन। ठीक है, अब टाइप ऑफ नाउन समझो क्या होता है। देखो, छोटी क्लासेस में हम सबने पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, चार टाइप, पांच टाइप के हम नाउन्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट जो है वो क्या है, आपका प्रॉपर नाउन। अब आप कहोगे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी भी पर्सन या प्लेस को नेम की बात करते हो, जब आप किसी भी पर्सन या प्लेस को नेम से बुलाते हो, जब आपको सेंटेंस में किसी भी पर्सन का या प्लेस का नेम गिवन है, ऐसे नहीं कि बास्केटबॉल कोर्ट, तो ये कोई नेम नहीं है, दिस इज नॉट अ नेम, बास्केटबॉल कोर्ट इज नॉट अ नेम, ऑल्दो इट इज अ प्लेस, बट ये कोई प्लेस का नाम नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी और प्लेस का नाम लिख दो, जैसे कि कोई भी प्लेस का नाम, जैसे कि आपके अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, नाहरलगुन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, ठीक है, तो जब नेम ऑफ द प्लेस आएगा तो उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में हम नेम्स के साथ डील करते हैं, किसके, पर्सन के और प्लेस के। जैसे देखो, राम इज अ नेम, श्याम इज अ नेम, दिल्ली इज अ नेम, ठीक है, उसके बाद जैसे मेरा नाम, आपका नाम, ये सब प्रॉपर नाउन्स है, ठीक है, ओके। अब देखो, प्रॉपर नाउन से रिलेटेड क्या होता है, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ध्यान में रखने, क्योंकि ये सेंटेंस में आप गलती करोगे जब एरर स्पॉट करने आएगा। देखो, इट इज ऑलवेज रिटन बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर, वो हमें पता ही है, बिकॉज आप किसी का नाम लिख रहे हो, तो अगर आप नाम लिखोगे तो फर्स्ट अल्फाबेट उसका क्या होगा, कैपिटल ही होगा, ब्लॉक लेटर्स में ही लिखोगे, ठीक है। तो जब भी आप किसी पर्सन या प्लेस का नाम लिखते हो, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैसे शुरू होता है, इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, ऐसे लिख रहे हैं या तो, या फिर आप DELHI, तो यहाँ पे डी क्या है, कैपिटल, राइट। जनरली अ प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर एंड गेट्स अ सिंगुलर वर्ब। अब ये चीज याद रख लेना कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। अब वो नेम ऑफ द प्लेस होगा या फिर नेम ऑफ द पर्सन होगा, तो वो जो अगर सिंगुलर है, अगर प्रॉपर नाउन सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। आई गेस अभी ये चैप्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है, कि कोई भी सेंटेंस है, एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है, उसमें जो आप वर्ब यूज कर रहे हो ना, दैट शुड बी इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। मतलब जो वर्ब यूज होगा ना, वो कौन सा वर्ब यूज होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कैसा है, ये देख के हम सेंटेंस में वर्ब यूज करते हैं। देखो, एक सेंटेंस है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ये रूल भी है, दिस इज वन ऑफ द रूल्स ऑफ दिस चैप्टर, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो आप वर्ब कैसा यूज करोगे, वहां पे सिंगुलर ही यूज करोगे। इस रूल को तो क्रैम कर लो अच्छे से, अभी रट लो, अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, आपका प्लूरल है, तो आपका वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। तभी सेंटेंस में जो वर्ब यूज होता है वो किसके बेसिस पे यूज होता है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट को देख के हम आगे जो है वो वर्ब लिखते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है ना हमेशा, देखो स्ट्रक्चर ये है ना, हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, चलो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है या मेन वर्ब आ रहा है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी आपको सिंगुलर रखना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अब आप कहोगे मैम वर्ब्स जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल कौन से होते हैं, फिर आपने यहाँ पे लिखा कि वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, देखो इज एम, ठीक है, उसके बाद बेसिकली क्या होगा, इज हो गया, एम हो गया, और क्या होगा, वॉज हो गया, ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता हैज हो गया, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली कैसे वर्ब्स हैं, ये आपके बेसिकली सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, डू हो गया, ठीक है,
ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डज आएगा, डज इज सिंगुलर राइट, तो डज हो गया। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ गुड बॉय। अब ही क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, आपका ये बेसिकली क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ही जो है वो वन बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज हुआ, सिंगुलर यूज हुआ। ही आर अ गुड बॉय तो नहीं यूज करोगे, ही आर अ गुड बॉय, आर जो है वो बेसिकली कैसा हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल, आर हो गया, वर हो गया, हैव हो गया, डू हो गया, इनको हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज करते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल दे आर प्लेइंग, अब ये क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इस रूल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बट क्योंकि अभी पढ़ना जरूरी है इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नहीं समझ आया तो लिख देना मैसेज चैट बॉक्स में, दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, अभी मीनवाइल प्रॉपर नाउन देखते हैं। तो प्रॉपर नाउन जो होता है, पहली बात तो आप उसको कैपिटल लेटर में लिखोगे, दूसरी चीज प्रॉपर नाउन को हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, इसीलिए हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, वर्ब सिंगुलर कौन से होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इज हो गया, एम हो गया, वॉज हो गया, हैज हो गया, उसके बाद डज हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ वर आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद हैव आ जाएगा, डू आ जाएगा, तो ये सब आपके बेसिकली वर्ब्स हैं जो बेसिकली सिंगुलर हैं, और ये क्या है आपके, प्लूरल, इनको हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करोगे और इनको हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, राइट। अब प्रॉपर नाउन जो होता है वो सिंगुलर है, उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, हेंस उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब्स यूज करते हैं, मतलब इनमें से कुछ ना कुछ वर्ब्स हम यूज करेंगे। ठीक है, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, हम आर्टिकल चैप्टर में भी ये बात बहुत बार पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन से जस्ट पहले आप आर्टिकल को यूज नहीं करते हो, ना आप द यूज करोगे, ना आप ए यूज करोगे, ना आप एन यूज करोगे, आप इनमें से कोई भी आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये रूल्स आप याद रखोगे। ठीक है, देखो जैसे अब एक एग्जांपल है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, गलत क्यों किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि इंडिया जो है नेम ऑफ द प्लेस है, और यहाँ पे इंडिया का जो फर्स्ट अल्फाबेट है दैट इज नॉट इन कैपिटल। देखो इंडिया आर अ सेक्युलर कंट्री, अब ये क्यों गलत किया, क्योंकि इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन है, उसको सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे, हेंस उसको सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, हेंस उसको सिंगुलर वर्ब देना हमें, तो यहाँ पे आर तो नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, इंडिया इज, द इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, आर्टिकल भी यूज नहीं कर सकते। ऑल्दो मैंने आपको बोला था प्रॉपर नाउन में अगर प्लेसेस आ रही हैं, तो हम बेसिकली बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे हम बेसिकली द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी प्लेस के नाम में यूनियन आ रहा है, ठीक है, रिपब्लिक आ रहा है, ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड आ रहा है, तो हम बेसिकली उस पर्टिकुलर कंट्री के नाम के साथ द यूज करेंगे, या स्टेट के नाम के साथ भी मैंने आपको बोला था द यूज करेंगे, अगर सेंटेंस में स्पेसिफिक सेंस में स्टेट का नाम जो है वो मेंशन। ठीक है, अब देखो द इंडिया, इंडिया के साथ यहाँ पे बेसिकली आप क्या यूज नहीं करोगे, आर्टिकल यूज नहीं करोगे। ठीक है, इज अ सेक्युलर कंट्री, अब देखो इसमें करेक्ट क्या रहेगा, करेक्ट ये रहेगा, इंडिया जो कि कैपिटल है, ठीक है, इज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया जो है उसको सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट किया, हेंस यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, हेंस यहाँ पे उसको सिंगुलर वर्ब हमने क्या दिया, यहाँ पे दिया है, तो प्रॉपर नाउन के साथ आप हमेशा क्या यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, ये चीज आप हमेशा याद रखोगे, राइट। और आर्टिकल्स आप प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं करोगे, कंट्री का नाम अगर होगा तो देख लेना, लेकिन इंडिया जो है दैट इज नॉट द ऑफिशियल नेम, राइट, आप कैसे लिखते हो ऑफिशियली, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अगर रिपब्लिक ऑफ इंडिया होगा तो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो प्रॉपर नाउन की ये कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स थे जो हमने देखे। अब नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, प्रॉपर नाउन की ही कॉन्टिन्यूएशन में वो बोल रहा है कि अगर प्लेस का नाम जो है वो किसी भी टीम को, टीम कौन सी, आपकी स्पोर्ट्स की टीम हो सकती है कोई, ठीक है, कोई गेम्स टीम हो सकती है, जैसे क्रिकेट की टीम, ठीक है, जैसे फुटबॉल टीम इंडिया की, ठीक है, जैसे इंडिया की हॉकी टीम, तो इनमें से कोई भी टीम को अगर कंट्री का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर हम उसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बेसिकली क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं और उसको फिर प्लूरल वर्ब देते हैं।
तो ये देखो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। प्लेस के नाम के साथ आप, अभी तक मैंने क्या बोला कि आप प्रॉपर नाउन को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे और सिंगुलर वर्ब दोगे, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अगर यहाँ पे कंट्री का नाम जो है वो किसी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इट क्रिकेट टीम, बी इट यू नो फुटबॉल टीम, हॉकी टीम, या जो भी टीम, राइट, तो उस केस में आप कंट्री के नाम के साथ, उस कंट्री के नाम के साथ क्या यूज करोगे? प्लूरल वर्ब यूज करोगे, क्योंकि हम उसको कैसे कंसिडर करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट की तरह कंसिडर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, देखो इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट जो है ना, देखो लेट मी जस्ट, ओके, इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन द मैच। अब इस केस में बेसिकली क्या है, इंडिया, ठीक है, आर हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या लिया यहाँ पे, प्लूरल लिया। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पे बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज राइट, बट इस सेंटेंस में एक प्रॉब्लम है, तभी ये गलत है। क्या प्रॉब्लम है? कि यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल यूज नहीं किया हुआ। यहाँ मैंने आर्टिकल क्यों यूज करना है? क्योंकि यहाँ इंडिया का यूज जो है एक स्पेसिफिक टीम को, बेसिकली एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया, इसलिए यहाँ डेफिनेट आर्टिकल यूज किया प्रॉपर नाउन से पहले। तो जब भी किसी स्पेसिफिक या डेफिनेट चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स टीम है या कुछ भी है, प्रॉपर नाउन का यूज किया जाएगा, उस केस में आप द आर्टिकल को यूज करोगे, एल्स आप नहीं करोगे प्रॉपर नाउन के साथ। देखो द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, अब यहाँ इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, विच इज व्हाट, विच इज सिंगुलर, बट इंडिया का हम किस तरीके से डील करेंगे यहाँ पे? प्रॉपर नाउन की तरह, सॉरी प्लूरल की तरह, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह, प्रॉपर नाउन है बट यहाँ पे हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह डील करेंगे। हेंस इसको कैसा वर्ब देना था? प्लूरल वर्ब, बट यहाँ कैसा दिया हुआ है? सिंगुलर, हेंस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बट यहाँ पे देखो इस स्टेटमेंट में ये क्यों करेक्ट है, द इंडिया, द इंडिया यहाँ पे द क्यों यूज किया? क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट। अब मुझे कैसे पता क्रिकेट टीम की बात हो रही है? क्योंकि बैटिंग तो क्रिकेट में ही होती है ना, फुटबॉल में तो बैटिंग नहीं होती। तो द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, ठीक है। तो इंडिया जो है वो बेसिकली यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्पोर्ट्स टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेंस यहाँ पे मैंने इंडिया को किसकी तरह, प्रॉपर नाउन है फिर भी मैंने इसको किसकी तरह ट्रीट किया, एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, और इसके साथ क्या यूज किया? एक प्लूरल वर्ब यूज किया। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन। प्रॉपर नाउन का ये सबको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर नाउन से रिलेटेड हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो बोलता है कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट की बात करते हो, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये इन सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको किसी सब्जेक्ट का नाम मेंशन है, सब्जेक्ट का नाम भी तो प्रॉपर नाउन होगा ना, तो सब्जेक्ट का नाम जब मेंशन है तो आप उसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करोगे और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे। जैसे कि फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आर नहीं आएगा। फिजिक्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। हेंस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसा डाला आपने? आपने हेल्पिंग वर्ब यहाँ डाला सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, राइट, ओके। तो ये सेंटेंस क्या होगा? राइट, तो सब्जेक्ट के नाम के साथ भी आप बेसिकली यहाँ पे अगर कोई सब्जेक्ट गिवन है, मतलब जैसे मैथ्स लिखा है, इंग्लिश लिखा है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है, और प्रॉपर नाउन होगा सब्जेक्ट का नाम भी, ठीक है, जैसे कि मैथ्स इज अ प्रॉपर नाउन, मतलब इंग्लिश इज अ प्रॉपर नाउन, तो उस केस में बेसिकली आप सिंगुलर ट्रीट करके उनको उनके साथ सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज करोगे। फिजिक्स देखो एक प्रॉपर नाउन है, ऐसा तो नहीं है फिजिक्स हमारे पास कोई चार पांच सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, राइट। लेकिन इस केस में भी एक एक्सेप्शन है, अगर सब्जेक्ट का नाम उसके उसके पोजेसर के साथ मेंशनड है, मतलब अगर आप ऐसे लिखो इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ऑफ मे बी, जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमारी CSM अकेडमी इज सिंपल, इंग्लिश ऑफ CSM अकेडमी सिंपल, यहाँ पे इंग्लिश बेसिकली क्या है, इंग्लिश जो है वो किसकी, CSM अकेडमी की। तो बेसिकली आपको जो एक तरीके से पोजेसर है, जिससे जिससे आप पढ़ रहे हो या जिसके साथ आप पढ़ रहे हो, उस पर्टिकुलर पढ़ाने वाले का नाम यहाँ मेंशनड है, तो उस केस में आप बेसिकली उसको प्लूरल ट्रीट करोगे और उसको कैसा वर्ब दोगे? प्लूरल वर्ब दोगे, ठीक है।
और इस केस में आप बेसिकली सब्जेक्ट के साथ द आर्टिकल भी यूज करोगे इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है? तो जब भी सब्जेक्ट के साथ उसके पढ़ाने वाले का नाम मेंशनड है, तो उस केस में आप उस बेसिकली सब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करोगे, आप उसको प्लूरल ट्रीट करोगे, और उसको कैसा वर्ब दोगे, प्लूरल ही वर्ब दोगे। जैसे देखो, द फिजिक्स ऑफ एचसी वर्मा। अब एचसी वर्मा जो है बेसिकली पढ़ाते हैं फिजिक्स, उनकी फिजिक्स जो है उनकी बुक से जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो इज वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ द फिजिक्स ऑफ एचसी वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट जो है वो गलत क्यों है? क्योंकि फिजिक्स ऑफ एचसी वर्मा को हमें प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना था और यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करना था, ठीक है? बट यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे इज यूज कर दिया, तो ये गलत हो गया। अब देखो, फिजिक्स ऑफ एचसी वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट, अब यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज किया, फिर ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे हमने द यूज नहीं किया। द क्यों यूज करना था? क्योंकि यहाँ एक स्पेसिफिक टीचर के पढ़ाए हुए सब्जेक्ट की बात हो रही है, एचसी वर्मा की फिजिक्स। ऐसा नहीं है कोई भी फिजिक्स की बुक, एचसी वर्मा की फिजिक्स की बुक, राइट? तो इसलिए एक डेफिनेट सब्जेक्ट, एक डेफिनेट किताब की बात हो रही है, एक डेफिनेट ऑथर की लिखी हुई बुक की बात हो रही है, तो उस केस में आप यहाँ पे दो आर्टिकल यूज कर रहे हो, द फिजिक्स ऑफ एचसी वर्मा। यहाँ पे फिजिक्स ऑफ एचसी वर्मा को प्लूरल ट्रीट करेंगे, हेंस यहाँ पे प्लूरल जो है वो वर्ब हमने यूज किया। द फिजिक्स ऑफ एचसी वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट इज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है? तो अब जब आपको क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, तो आपको ये देखना होगा कि प्रॉपर नाउन जो है अगर यूज किया है, तो पहली चीज आप उसके साथ द आर्टिकल यूज करोगे या नहीं करोगे, ठीक है? अगर स्पेसिफिक है ऐसे तो आप यूज करोगे, एल्स आप नहीं करोगे, नंबर वन। दूसरी चीज आप क्या देखोगे कि हेल्पिंग वर्ब कैसा जाएगा। प्रॉपर नाउन के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही जाता है, बट अगर प्रॉपर नाउन जो है उसमें बेसिकली किसी कंट्री का नाम जो है वो बेसिकली कैसे यूज हो रहा है, कंट्री का नाम जो है वो किसी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहा है, तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हो और द आर्टिकल भी यूज करते हो, दोनों चीजें यूज करते हो। सब्जेक्ट है कोई भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है? सब्जेक्ट जो है उसको बेसिकली आप बेसिकली किसकी तरह डील करते हो, आप सिंगुलर की तरह ही डील करते हो, बट अगर सब्जेक्ट के पढ़ाने वाले का नाम, उसके ऑथर का या उसके ट्यूटर का नाम जो है वो बेसिकली मेंशनड है, तो फिर आप उस केस में उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, जैसे यहाँ पे किया, और आर्टिकल भी यूज करोगे, कौन सा, द, ठीक है? तो ये जो रूल है, ये एक्सेप्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनको आपको अच्छे से समझ लेना है, राइट? अब मुझे ये बताओ कि आपको अभी तक जितना हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम? हमने बहुत सिंपल चीजें पढ़ी हैं प्रॉपर नाउन के लिए, एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इन केस अगर कुछ कंफ्यूजन है। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं, लेकिन आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, जैसे कि इस स्टेटमेंट में, ठीक है? जनरल स्टेटमेंट है प्रॉपर नाउन की, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन में जो है कंट्री का नाम किसी टीम को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप उसके साथ उसको प्लूरल मानोगे, उसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बेसिकली कंसिडर करोगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करोगे, जैसे कि हमने द इंडिया आर, और आर्टिकल भी यूज करोगे उस सेंस में, क्योंकि एक स्पेसिफिक टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में किया। ये देखो, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। द क्यों लगाया? क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम की बात हो रही है, और इसके साथ आर क्यों लगाया? क्योंकि स्पोर्ट्स टीम, क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? अगर कोई सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स, तो आप उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे और सिंगुलर वर्ब दोगे, बट देन अगर वो सब्जेक्ट जो है उसके पढ़ाने वाले के साथ, इट इज पोजेस्ड बाय एनीवन, उसके पोजेसर के साथ मेंशनड है, तो उसको प्लूरल ट्रीट करके उसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज करोगे और द आर्टिकल भी यूज करोगे, जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल, ठीक है? तो अभी तक हमने सिर्फ यही बातें पढ़ी है प्रॉपर नाउन के बारे में। मुझे ये बताओ, इसमें किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं, नहीं है तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आई जस्ट वेट फॉर लाइक 30 सेकेंड्स आप लोगों के मैसेज का, जल्दी से बताओ, उसके बाद हम आगे शुरू करें कॉमन नाउन। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है अभी तक? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट सो फार?
ब्रीफ कैसे करेंगे हम? नाउन को ब्रीफ करना ना बड़ा मुश्किल है यार, ये बहुत मुश्किल काम बोल रहे हो, क्योंकि नाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों की क्लास में, फिर भी मैं अभी करा रही हूँ। यूजुअली मैं ये चैप्टर लास्ट में डील करती हूँ, क्योंकि नाउन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ग्रामर के जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ते हो, वट एवर चैप्टर्स वी विल रीड, सबके रूल्स जो हैं आ जाएंगे, ठीक है? सबके रूल्स हमें थोड़ा 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 पढ़ने पड़ेंगे। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल हमने पढ़ लिया, आर्टिकल से रिलेटेड आप उस चैप्टर में पढ़ रहे हो, ठीक है? उसके बाद वर्ब से रिलेटेड आप देख रहे हो, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, तो वो सब थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पे आएंगी और हमें देखनी भी पड़ेंगी वो चीजें। हम इस चैप्टर को छोटा नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस वैसे ही आ रहे हैं। अगर आप इस चैप्टर को छोटा करते हो ना, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन या जरा सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन जाएगा तो, अब प्रॉपर नाउन ना मैं आपको सिर्फ इतना भी पढ़ा सकती थी कि प्रॉपर नाउन कुछ नहीं होता, नेम होता है किस चीज का, पर्सन का और प्लेस का, दैट्स इट, ओके? सिर्फ इतना पढ़ा सकती थी, बट द थिंग इज इतना पढ़ाने से आपका पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है? आप लोग को पता है ये चीज कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन एंड द प्लेस, उसमें मैं क्या एक्स्ट्रा करा रही हूँ अपनी तरफ से, कुछ भी नहीं। तो दिस इंफॉर्मेशन यू ऑलरेडी नो, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये इंफॉर्मेशन हेल्प नहीं करेगी, राइट? तो आपने बेसिकली क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इफ यू वांट कि आप एग्जाम में, छोटा कैसे करते हैं इसको? पीडीएफ का फर्स्ट पेज तो ठीक है, बट इसको छोटा कैसे करते हैं? इसको छोटा कैसे करते हैं? आई डोंट नो। अच्छा ओके, जूम कम करने के लिए बोल रहे हो, यू वांट मी टू, ओके, बट ये बहुत छोटा हो जाएगा फिर, आई डोंट नो ये कैसे करते हैं, बट ओके लेट मी जस्ट ट्राई। नहीं आ रहा वो, वन पेज पे नहीं आएगा यार, वो विजिबिलिटी नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो वो उतना प्रॉपरली विजिबल होगा, बिकॉज इतना ही आ रहा है वो, इसी तरीके से आ रहा है, इट कैन नॉट कम ऑन वन पेज। आई गेस आई हैव यूज क्वाइट मेनी स्पेसेस, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, वो पूरा एडिटिंग करना पड़ेगा उसको करने के लिए, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि ये पीडीएफ बड़ा मुश्किल से बनाया है यार, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम बस नाउन देखा, ठीक है? हमने क्या देखा, हमने नाउन देखा, नाउन क्या होता है, ठीक है? नाउन एक तरीके से रिवाइज करते हुए चल रहे हैं हम कि नाउन क्या होता है, नाउन कोई भी पर्सन प्लेस और थिंग हो सकती है, ठीक है? या फिर हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में बेसिकली एक, नो मैम व्हाट इज नाउन एंड उसका एग्जांपल का थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा यू वांट मी टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन अगेन, ओके ठीक है। देखो नाउन क्या है, पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, ऑब्जेक्ट है, थिंग है, तो कुछ भी हो सकता है नाउन, इट कैन बी पर्सन, इट कैन बी प्लेस, इट कैन बी एनिमल, इट कैन बी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी आइडिया, ठीक है? अब एक सेंटेंस है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, ये हम हमेशा पढ़ते हैं, हर क्लास में पढ़ते आए हैं। अब नाउन जो है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इट कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑल्सो, वर्ब ऑल्सो, ऑब्जेक्ट ऑल्सो। वो सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? इट कैन बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑल्सो, इट कैन बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है? इट कैन बी अपॉजिटिव ऑल्सो, अपॉजिटिव भी क्या हो सकता है, अपॉजिटिव क्या होता है ये हम देखेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी के लिए हम ये पढ़ रहे हैं कि जो नाउन है दैट कैन बी अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या फिर कोई भी आइडिया, ठीक है? नाउन जो है सेंटेंस में आपको कहीं पे भी मिल सकता है, सब्जेक्ट की प्लेस पे भी, वर्ब की प्लेस पे भी, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे भी, ठीक है? साउंड नहीं है सर, यार साउंड का प्रॉब्लम किस किस को आ रहा है जल्दी से बता दो मुझे, किसी और स्टूडेंट को साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है? एनी अदर स्टूडेंट हु इज फेसिंग, तानिया के अलावा किसी और स्टूडेंट को साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे प्लीज बताओ, जस्ट लेट मी नो। अगर
आई गेस तानिया यू विल हैव टू चेक दिस एट योर एंड. आपको खुद से एक बार इसको अपना मीटिंग को लीव करके उसके बाद ज्वाइन करो, शायद साउंड का प्रॉब्लम क्लियर हो जाए. बट बाकी स्टूडेंट्स को साउंड का प्रॉब्लम जो है वो नहीं आ रहा है, ठीक है? तो आप अपने लेवल पे एक बार साउंड चेक कर लीजिए, ठीक है? तो ये हमने देखा. फिर हम क्या देख रहे थे कि जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस कोई भी सेंटेंस, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेस पे भी आपको नाउन मिल सकता है, आपको वर्ब की प्लेस पे भी मिल सकता है, आपको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे भी मिल सकता है. उसके अलावा भी कुछ प्लेसेस हैं, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अपॉजिटिव, इन प्लेसेस पे भी मिल सकता है. पर अभी के लिए अगर आपको ये प्लेसेस नहीं समझ में आ रही है कि क्या होती है ये वर्ड्स, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो. ये हम आगे पूरे चैप्टर में डील करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, और बाकी ये वर्ड्स क्या जो लिखे हुए ये क्या है. अभी के लिए समझने की बात यह है कि नाउन जो है वो इन तीनों प्लेसेस पे कहीं पे भी यूज हो सकता है और एडजेक्टिव की तरह भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन था. फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे नाउन के. पीपल हो सकता है, प्लेस हो सकती है, एनिमल, बर्ड्स, या फिर आपका कोई भी एनिमल, एक्वाटिक एनिमल भी आपका नाउन हो सकता है, रेप्टाइल आपका नाउन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एलिगेटर है, ठीक है? आइडिया हो सकता है आपका नाउन, ठीक है? इन्वेंशन, एवोल्यूशन, एक्सटिंक्शन, दिस कैन बी अ नाउन. ऑब्जेक्ट्स में क्या हो सकता है, बॉल, कार, बेडशीट, ये सब आपके नाउन्स है. फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नाउन. टाइप्स ऑफ नाउन में हमने एक ही नाउन पढ़ा अभी तक, ठीक है? नाउन कौन सा पढ़ा हमने उसमें? हमने देखा प्रॉपर नाउन क्या होता है. देखो आप लोगों को सबको इतना पता है कि प्रॉपर नाउन जो है ना वो क्या है, नेम ऑफ द या तो पर्सन होगा या फिर प्लेस होगा. तो प्रॉपर नाउन में हम किस चीज की बात करते हैं, या तो पर्सन के नाम की बात करते हैं या प्लेस के नाम की बात करते हैं, ठीक है? इतना सबको पता था. जैसे राम इज अ नाम, राम जो है वो एक नाम है, नेम है. श्याम जो है वो एक नेम है. दिल्ली इज अ नेम. अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक नेम है, ठीक है? अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़े प्रॉपर नाउन से. मैंने आपको बोला कि प्रॉपर नाउन जो है सबसे पहली चीज हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होगा, ठीक है? उसके साथ आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, यू डोंट यूज आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन. मैंने आपको बोला अगर प्रॉपर नाउन किसी भी सेंटेंस में गिवन है, सब्जेक्ट की जगह पे गिवन है, तो आप उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे कि वन पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर ट्रीट करोगे. और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज करोगे, सिंगुलर ही यूज करोगे, ठीक है? ओके. जैसे यहाँ पे देखो, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन, इट इज द नेम ऑफ द प्लेस. उसके साथ मैंने इज क्यों यूज किया, क्योंकि इंडिया को मैं कैसे ट्रीट कर रही हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह. हेंस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसा आया, सिंगुलर. लेकिन अगर यही नेम ऑफ द प्लेस जो है किसी कंट्री की क्रिकेट टीम को, फुटबॉल टीम को, हॉकी टीम को, या किसी भी स्पोर्ट्स टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस केस में आप इस नेम के साथ आप आर्टिकल भी यूज करोगे. कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, द. और आप बेसिकली क्या करोगे, उसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट करोगे, ठीक है? जैसे देखो, इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन द मैच. तो यहाँ पे इंडिया जो है किसकी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिकेट टीम को. कौन सी क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम. तो यहाँ पे बेसिकली इंडिया के साथ द भी यूज होना था, द इंडिया, और यहाँ पे जो आर है वो यूज होना था, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच. क्योंकि यहाँ पे मैंने इंडियन क्रिकेट टीम की बात हो रही है, स्पेसिफिक है, डेफिनेट है, इसलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज किया. और इंडिया जो है वो क्रिकेट टीम को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है, हेंस यहाँ पे उसके साथ कैसा कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रही हूँ, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि इसको हम बेसिकली देखो, क्रिकेट टीम जो है पूरी टीम है ना, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग वन पर्सन, इट इज रिप्रेजेंटिंग द 11 पर्सन इन द टीम. हेंस उस केस में प्लूरल सब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, यूज करेंगे, राइट? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है? ओके. अब देखो नेक्स्ट. नेक्स्ट हमने प्रॉपर नाउन से रिलेटेड क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि अगर किसी भी सब्जेक्ट का नाम मेंशन्ड है प्रॉपर नाउन में, जैसे कि मैथ्स है, जैसे कि बायोलॉजी है, जैसे कि केमिस्ट्री है, तो आप उसको बेसिकली सिंगुलर ही ट्रीट करते हो और सिंगुलर ही वर्ब देते हो, क्योंकि वो भी प्रॉपर नाउन है. नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, हेंस उसको भी सिंगुलर ही ट्रीट करना है. बट कब सिंगुलर नहीं ट्रीट करोगे, जब सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले का नाम भी मेंशन्ड है, तब आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, प्लूरल. क्योंकि देखो ना, दो हो जाएंगे, एक तो सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा सेंटेंस में और एक उसको पढ़ाने वाले का नाम लिखा हुआ होगा, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल नहीं हो गया सब्जेक्ट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, तो सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल हो जाएगा.
तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तभी यहाँ पे द फिजिक्स ऑफ एच सी वर्मा, देखो यहाँ पे द यूज किया क्योंकि एक स्पेसिफिक ट्यूटर की पढ़ाई हुई फिजिक्स की बात हो रही है, और यहाँ पे क्योंकि फिजिक्स ऑफ एच सी वर्मा जो है हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये द फिजिक्स ऑफ एच सी वर्मा इज वन सब्जेक्ट, मतलब ये पूरा सब्जेक्ट है, पर यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट वन जो है वो फिजिक्स है और एच सी वर्मा जो है सेकेंड पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है, हेंस दो सब्जेक्ट की वजह से सब्जेक्ट को हम यहाँ क्या ट्रीट कर रहे हैं, प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं, और यहाँ पे आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप अब इतना सबको समझ में आया होगा, अब तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बताओ अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नाउन देखा हमने, ठीक है, आज की क्लास में, ठीक है, नाउन की डेफिनेशन देखी हमने, देखा कि नाउन जो है कहाँ कहाँ सेंटेंस में यूज हो सकता है, उसका यूसेज देखा, उसका रोल देखा कहाँ कहाँ सेंटेंस में रोल प्ले करता है, फिर हमने देखा कि नाउन का फर्स्ट टाइप क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े, ठीक है, ओके। चलिए अब देखो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ नाउन है दैट इज कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन बेसिकली क्या होता है यार, देखो ऐसी वर्ड्स, ऐसे नाम जो सभी पर्सन के लिए कॉमन है, जैसे बॉय, ठीक है, बॉय एक बहुत ही कॉमन नाउन है। अब बॉय जो है, अगर राम का जिक्र करूं मैं, राम की बात करूं तो राम भी बॉय है, अगर मैं श्याम की बात करूं तो श्याम भी बॉय है, अगर मैं मोहन की बात करूं तो मोहन भी बॉय है, बट अगर मैं इनके नाम लूंगी तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर मैं सिर्फ बॉय वर्ड यूज कर रही हूँ तो ये वर्ड जो है ये इन सब के लिए कॉमन है, ये भी बॉय है, ये भी बॉय है, ये भी बॉय है, सो इट इज कॉमन टू ऑल, हेंस ये बेसिकली क्या है आपका, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन कौन सा नाउन होता है? ऐसा नाउन जो कॉमन टू एवरी पर्सन है, सबके लिए सेम ही है, गर्ल, आई एम अ गर्ल, ठीक है, उसके बाद कोई भी, फॉर एग्जाम्पल सीता इज अ गर्ल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रीटा इज अ गर्ल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शैली इज अ गर्ल, फॉर एग्जाम्पल शीनम इज अ गर्ल, ठीक है, तो ये सब गर्ल्स हैं, ठीक है, ऑल्दो ये लोग अलग अलग हैं, शीनम इज डिफरेंट, शैली इज डिफरेंट, आई एम अ डिफरेंट पर्सन, सीता इज डिफरेंट, रीटा इज डिफरेंट, ठीक है, बट कॉमन क्या है इन सब चीजों में, कि दीज आर गर्ल्स, ठीक है, तो गर्ल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अब टीचर, टीचर वर्ड एक कॉमन वर्ड है तो इट इज अ कॉमन नाउन। अब टीचर तो मैथ्स का टीचर भी हो सकता है, जीके का टीचर भी हो सकता है, और इंग्लिश का टीचर भी हो सकता है, इट कैन बी एनी टीचर, राइट, इट कैन बी एनी टीचर, तो जब, लेकिन कॉमन क्या है तीनों टीचर्स में, देखो अगर आप मैथ्स के सर का नाम लोगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जीके के सर का नाम लोगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, इंग्लिश के मैम का नाम लोगे तो वो भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा, पर इन तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन है टीचर, दे ऑल आर टीचर्स, तो हेंस टीचर इज अ कॉमन नाउन। तो ऐसा नाउन जो कॉमन टू एवरी पर्सन है या एवरी थिंग है और सेम काइंड और क्लास को बिलोंग करता है, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं, जैसे बॉय, टीचर, गर्ल हो गया, ठीक है, तो इस तरीके के नाउन्स जो है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स देखो, देखो कॉमन नाउन जो है वो दो तरीके से यूज हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, तो कॉमन नाउन अगर सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसके साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो सिंगुलर भी यूज कर सकते हो और प्लूरल भी यूज कर सकते हो, यही मतलब हुआ ना कि कॉमन नाउन इज फ्री टू बी सिंगुलर ऑल्सो एंड प्लूरल ऑल्सो, तो अगर कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे। दूसरा देखो आर्टिकल इज नॉट अवॉइडेड विद इट, नॉट अवॉइडेड का क्या मतलब है कि आप आर्टिकल यूज करोगे कॉमन नाउन के साथ, नहीं करोगे अवॉइड, नॉट अवॉइडेड विद इट, तो आर्टिकल आप यूज करोगे कॉमन नाउन के साथ, राइट, जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज विद कॉमन प्लूरल नंबर, लेकिन अगर कॉमन नाउन जो है वो प्लूरल में दिया हुआ है तो आप आर्टिकल कब यूज करोगे, जब कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर में गिवन है, लेकिन अगर प्लूरल में गिवन है तो नहीं करोगे यूज, ठीक है, तो इसका एक ऐसा छोटा सा टेबल बना लेना जहां आप लिखोगे कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन कैन बी सिंगुलर ऑल्सो, ठीक है, एंड इट कैन बी प्लूरल ऑल्सो, सी इफ इट विल बी सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल कब यूज होगा, जब कॉमन नाउन बेसिकली क्या गिवन है, सिंगुलर गिवन है, लेकिन अगर प्लूरल कॉमन नाउन गिवन है तो आर्टिकल यूज होगा, नहीं, तो इस तरीके से आप कॉमन नाउन्स के रूल्स या प्रॉपर नाउन के भी आप ऐसे बना सकते हो, और इसको बेसिकली क्या कर सकते हो,
कर सकते हो। द इंडियन फुटबॉल टीम हैज अराइव्ड, बोलने से करेक्ट। यार देखो ना, द इंडियन फुटबॉल टीम, एक मिनट में एग्जाम्पल लिख ही लेती हूँ। द इंडियन फुटबॉल टीम हैज अराइव्ड, ठीक है, और उसके अलावा भी कुछ सेंटेंस है क्या? ओके, द इंडियन फुटबॉल टीम। अब इंडियन फुटबॉल टीम क्या है आपका? यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इंडियन फुटबॉल टीम की बात करें तो आपने आर्टिकल यूज किया, विच इज करेक्ट, राइट? बट द थिंग इज, दिस इज रिप्रेजेंटिंग यहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम, ठीक है। आपको यहाँ पे इसके साथ क्या रिप्रेजेंट करना, यहाँ पे हैज की जगह आप हैव यूज करोगे। द इंडियन फुटबॉल टीम हैव अराइव्ड। अब टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन भी है। कलेक्टिव नाउन जो है उस केस में आप सिंगुलर जो है वो यूज करते हो। व्हाट डू यू यूज? यू यूज सिंगुलर वर्ड्स आल्सो, वर्ब्स आल्सो, राइट? तो यहाँ पे दो चीजों में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। मेरे हिसाब से आपको ये हो रहा होगा कि क्योंकि टीम वर्ड मेंशनड है, हेंस यहाँ पे बेसिकली हम वो यूज करें, हैज यूज करें या हैव यूज करें, राइट? तो द इंडियन, लेट मी जस्ट क्लियर इट, इसको दोबारा से क्लियर करके लिख देती हूँ। आई होप आपका कंफ्यूजन इसमें हैज या हैव में ही होगा। बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ स्टेटमेंट में, आई जस्ट क्लियर द कंफ्यूजन। एनी अदर कंफ्यूजन? इसमें आपको हैज या हैव के यूज में ही प्रॉब्लम आ रहा है ना, हैज और हैव में कंफ्यूज था। ओके, देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था, द इंडियन क्रिकेट टीम, लेट मी जस्ट टेक द मार्कर। क्रिकेट टीम या जो भी फुटबॉल टीम आपने लिखा था, आई डोंट नो, वो एग्जांपल में से मैं क्रिकेट क्रिकेट याद आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है इनको? यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे हिसाब से इनको दो रूल्स में आ रहा होगा, ठीक है। दो रूल्स में बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रहा होगा इनको, ऐसे भी लग रहा होगा कि यहाँ पे हैज यूज करूं या हैव यूज करूं हेल्पिंग वर्ब, राइट? सो दिस वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। यहाँ पे आप बेसिकली क्या यूज करोगे, हैज ही यूज करोगे। क्यों यूज करोगे हैज? देखो, द इंडियन फुटबॉल टीम, यहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम की बात हो रही है, जो कि एक कलेक्टिव नाउन को बेसिकली क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्टिव नाउन। और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, सिंगुलर बेसिकली वर्ब्स जो हैं उनके साथ यूज करते हैं। अगर यहाँ पे द इंडियन टीम, टीम टीम वर्ड जो है दैट इज अ कलेक्टिव नाउन, तो जब भी कलेक्टिव नाउन की बात होगी आप हमेशा उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करोगे, राइट? आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे आपका कलेक्टिव नाउन वाला रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है। द इंडियन फुटबॉल टीम जो है वो बेसिकली एक कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे एंटायर उसकी बात हो रही है। अगर यहाँ पे सिर्फ प्लेस का नाम मेंशन्ड होता और उस केस में किसी टीम को रिप्रेजेंट किया जाता, सिर्फ सिर्फ इंडिया को वर्ड को यूज करके, तो उस केस में आप प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब को क्या करते, यूज करते। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे हैज ही यूज होगा। ओके, और कुछ प्रॉब्लम? एनी अदर प्रॉब्लम? किसी और को कुछ डाउट है? यहाँ पे हैज क्यों यूज कर रहे हैं? आई जस्ट होप सबको समझ आया होगा, कलेक्टिव नाउन में हमने पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो हम उसको आगे पढ़ लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पूरा एक, अब एक यूनिट को एज अ होल, एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे हैज यूज किया, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का भी सबको समझ आ गया। कॉमन नाउन में तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इट
इफ आर्टिकल यूज देन हैव इज यूज, ऐसा कुछ नहीं है कि आर्टिकल यूज करोगे आप तो उसके साथ आपको हैव यूज करना पड़ेगा. देखो आर्टिकल आप कब यूज करते हो, आर्टिकल आप तब यूज करते हो द आर्टिकल स्पेसिफिकली जब किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है. जैसे यहाँ पे जो हमने द आर्टिकल यूज किया था ना, देखो इस एग्जाम्पल में मैंने जो द आर्टिकल यूज किया था, बहुत सारी क्रिकेट टीम्स होंगी पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज की, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक टीम यानी इंडियन क्रिकेट टीम की बात हो रही है इसलिए यहाँ द आर्टिकल यूज किया था. यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वो इसलिए नहीं यूज हुआ क्योंकि यहाँ द आर्टिकल को यूज कर रहे हैं. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो प्लूरल है मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यू नो ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्या करेंगे, इंडिया की स्पोर्ट्स टीम है, जो इंडिया की क्रिकेट टीम है उस ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है. हेंस यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको मैंने क्या कंसिडर किया, प्लूरल कंसिडर किया, और उसको कैसा हेल्पिंग वर्ब दे दिया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल यूज किया है वो इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि यहाँ आर्टिकल द यूज हुआ है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है. आर्टिकल की वजह से वहां पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज नहीं हो रहा है, ये चीज आप याद रख लो. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. जिसका भी ये था मिस्टर बीएच, क्लियर है ये? ओके चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक और जो टाइप ऑफ नाउन है उसको डिस्कस करेंगे, ऑल्दो इट विल टेक सम टाइम बट कोई बात नहीं. कलेक्टिव नाउन, हम कलेक्टिव नाउन काफी बड़ा है ठीक है, तो इसको देख लेते हैं. कलेक्टिव नाउन बेसिकली क्या होता है, देखो यार कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पर्सन या थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे द इंडियन फुटबॉल टीम. अब यहाँ पे उन्होंने इंडियन भी मेंशन किया और फुटबॉल टीम भी मेंशन किया है. वैसे अगर मैं सिर्फ टीम वर्ड देखूं तो टीम वर्ड अपने आप में क्या है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेंस इट इज अ कलेक्टिव नाउन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कमेटी, कमेटी वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ पीपल को या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेंस इट इज अ कलेक्टिव नाउन. क्राउड ठीक है, मॉब ठीक है, उसके बाद आर्मी, उसके बाद गैंग, उसके बाद फ्लॉक, ये सब चीजें जो है वो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन या थिंग्स को बेसिकली क्या करी है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कलेक्टिव नाउन बोला जाता है. तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन को या थिंग को रिप्रेजेंट, एक ही ग्रुप को रिप्रेजेंट, मतलब नॉट वन पर्सन, पूरा ग्रुप ऑफ पर्सन, देयर कुड बी वन पर्सन, देयर कुड बी 100 पर्सन, देयर कुड बी मेनी पर्सन. ठीक है, इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले नाउन को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, आर्मी, कमेटी, क्राउड, टीम ठीक है, उसके बाद मॉब हो गया, उसके बाद गैंग हो गया, उसके बाद फ्लॉक हो गया. ठीक है, तो ये सब बेसिकली क्या आ जाएंगे, आपके कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे. ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन ध्यान से समझो, इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स होते हैं. जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है. तीन तरीके के कलेक्टिव नाउन है ठीक है, कौन कौन से, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन. ठीक है, ये तीन तरीके के, और ये तीनों होते क्या अब हम वो देख लेते हैं. देखो सबसे पहला जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन. सो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टडी अबाउट दी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन राइट. अब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखो देखो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन ऐसा कलेक्टिव नाउन है जहां पे हम एक ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं जहां पे डिफरेंट बेसिकली क्या है, चीजों का जिक्र किया गया है. ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर्स हैं जिसमें, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो ये पर्सन है, यहाँ पे एक एनिमल हो गया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ट्री बना देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एक टेबल बना देती हूँ. ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स को जब हम एक ग्रुप में रखते हैं उस पर्टिकुलर नाउन को हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. तो एक ग्रुप तो है बट उसके अंदर जो चीजें हैं वो सब एक दूसरे से क्या है, अलग है. तो ऐसा ग्रुप जिसमें एक चीज जो है वो दूसरी चीज से क्या है, अलग है, उस पर्टिकुलर नाउन को हम क्या बोलते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑफ मेंबर्स या डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर्स इज नोन एज जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन राइट. तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव क्या नाउन क्या होगा, एक ग्रुप, एक कलेक्शन, एक कलेक्टिव जिसके अंदर चीजें जो है वो बेसिकली क्या है, डिफरेंट चीजें जो है वो बेसिकली क्या है, मेंशन है राइट. अब इस ग्रुप के अंदर सब चीजें जो है एक दूसरे से अलग है ठीक है, तो हेंस दिस इज व्हाट, दिस इज अ जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, एक ऐसा ग्रुप जिस ग्रुप में मेंबर्स ऑफ द ग्रुप जो है वो सब एक दूसरे से अलग है.
ठीक है, दैट इज जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन. डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर्स का जो ग्रुप होता है उसको बेसिकली बोलते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन. जैसे देखो सीनरी, अब सीनरी जो होगी, जब आप याद होगा आपको जब आप छोटी क्लासेस में थे, आप कैसे क्लास में सीनरी बनाते होगे, ठीक है, ऐसे माउंटेन्स बना देते थे, फिर एक सन बना देते होगे उसके ऊपर, फिर ऐसे कुछ बर्ड्स बना देते होगे, ठीक है, फिर एक छोटा सा घर बना देते होगे, ठीक है, फिर एक ट्री बना देते होगे, ट्री के पास एक पॉन्ड बना देते होगे, और यहाँ पे कोई ह्यूमन बना देते होगे. तो इस तरीके से आप सीनरी बनाते थे. अब सीनरी देखो, सीनरी भी तो ग्रुप ऑफ थिंग्स है, बट यहाँ पे सब चीजें अलग है. यहाँ पे माउंटेन बना है, ये बर्ड है, दिस इज ह्यूमन, दिस इज होम, दिस इज ट्री, दिस इज पॉन्ड. तो इट इज ये सीनरी जो है, दैट दिस इज अ ग्रुप ऑफ यू नो डिफरेंट थिंग्स. तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन. तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन पहली चीज क्या है, ऐसा ग्रुप या ऐसा कलेक्शन जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं, उसको जनरलाइजिंग बोला. एग्जाम्पल देखो, सीनरी, सीनरी, मशीनरी, मशीनरी भी बहुत सारे तरीके की हो सकती है, ज्वेलरी, ज्वेलरी भी बहुत सारे तरीके की हो सकती है, उसके बाद बैंगल्स हो सकती हैं, इयररिंग्स हो सकते हैं, गडल्स हो सकती हैं, रिंग्स हो सकती हैं, उसके बाद आपका बेसिकली नेकलेसेस हो सकते हैं, नोज पिन हो सकती है, देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरी. तो ज्वेलरी जो है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है. ग्रॉसरी, ग्रॉसरी में बहुत सारी डिफरेंट चीजें आती है. क्रॉकरी, आपके घर पे जो भी क्रॉकरी होगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी डिश प्लेट्स, आपके टी सेट्स एंड डिनर सेट्स, वो सब आपकी क्रॉकरी है, तो सब डिफरेंट है. फर्नीचर, घर पे जो फर्नीचर होता है उसमें सोफा इज अ डिफरेंट यू नो थिंग, और उसके बाद आपके मे बी कबर्ड्स आपके डिफरेंट होंगे, और उसके अलावा जो भी फर्नीचर बेसिकली होगा घर पे वो सब डिफरेंट आइटम्स है ना, तो एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग्स है. लगेज, लगेज इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, राइट. तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन. ये हमने उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़े, राइट. अब देखो फैक्ट्स इससे रिलेटेड क्या है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को आप हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे, हेंस उसको सिंगुलर वर्ब दोगे. एस या ईएस जो है उसके साथ यूज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल सीनरीज, सीनरीज जो है वो गलत हो जाएगा, आप उसको सीनरी ही बोलोगे. तो प्लूरल भी एक ही रहेगा और सिंगुलर भी एक ही रहेगा. सीनरी विल ऑलवेज रिमेन सीनरी, मशीनरी विल ऑलवेज रिमेन मशीनरी. ज्वेलरीज नहीं बोलोगे आप, इट इज नॉट ज्वेलरीज, इट इज ज्वेलरी ओनली, ठीक है. तो ये चीज आ जाएगी. अब ये देखो एस या ई एस की फॉर्म जो है आप जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ यूज नहीं करते हो. एग्जाम्पल देखो, द मशीनरी आर वेरी ओल्ड. अब ये सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी जो है उसके साथ आर यूज किया हुआ है, बट मैंने आपको क्या बताया था, सिंगुलर ट्रीट करके सिंगुलर वर्ब देंगे. द मशीनरी आर वेरी ओल्ड, आर वेरी ओल्ड सिंगुलर आ जाएगा. द मशीनरीज आर वेरी ओल्ड गलत क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई एस की फॉर्म यूज की गई है, बट मैंने यहाँ आपको क्या बताया, एस या ई एस की फॉर्म जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ यूज नहीं होगी. द मशीनरी इज वेरी ओल्ड जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है. द मशीनरी इज वेरी ओल्ड, राइट. तो मशीनरी को यहाँ क्या ट्रीट किया, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, एंड हेंस यहाँ पे इसको क्या दिया, सिंगुलर वर्ब दिया, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन. ग्रुप कलेक्टिव के नाउन क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें सेम काइंड ऑफ थिंग्स है. इसमें क्या था, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स थी, इसमें सेम काइंड ऑफ थिंग्स है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस का एक ग्रुप जो होगा उसको क्या बोलेंगे, क्राउड, या फिर मॉब बोल दोगे, ठीक है, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, आप उसको वो बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, क्राउड हो गया, मॉब हो गया, या फिर सेम काइंड ऑफ ग्रुप को आप बेसिकली फॉर एग्जाम्पल कुछ कोई भी ग्रुप ह्यूमंस का जो सेम काइंड का है, ठीक है, वो बेसिकली सेम ही ह्यूमंस ही हो बस उसमें, या फिर ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ बर्ड्स ही हो, ठीक है, या फिर ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ सिर्फ कैटल ही हो, फॉर एग्जाम्पल काउज ही हो, तो उसको कैटल बोल देते हैं, ठीक है. तो उस तरीके से आप याद रखोगे कि सेम काइंड ऑफ चीजें जो एक ग्रुप में होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल पीपल, पीपल का जो देखो पीपल क्या है, पीपल इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन. अब उसमें पीपल ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं है उसमें आप काउ को भी लाके खड़ा कर दोगे और बोलोगे दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. नो, हमें यहाँ पे सेम काइंड ऑफ चीजें चाहिए. तो पीपल में ऑब्वियसली सब ह्यूमंस ही होंगे ना, पब्लिक, पब्लिक में सब ह्यूमंस ही होंगे. ऐसा नहीं आप एक हॉर्स लाके खड़ा कर दोगे एंड कहोगे दिस इज पब्लिक, ठीक है. तो पब्लिक में सब ह्यूमंस होंगे. कैटल, कैटल में काउज हो सकती हैं, बफलोज हो सकते हैं, बट सेम काइंड की जो ब्रीड है, जैसे सेम काइंड ब्रीड कह रही हूँ, सेम काइंड की स्पीशी होगी. ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमन एक ग्रुप ऑफ काउज में आप एक ह्यूमन को लाके खड़ा कर दोगे और बोलोगे ये कैटल है, नो, ठीक है. तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स नहीं होंगी, सेम काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो होंगी. जेंट्री, पिजेंट्री, कैवलरी, ठीक है, ये सब जो है बेसिकली आपके ग्रुप कलेक्टिव नाउन का बेसिकली क्या है, एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सब सेम काइंड ऑफ थिंग्स है, राइट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन.
ठीक है, देखो अब जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है ना, उसको हम प्लूरल ट्रीट करते हैं और उसको हम क्या दे देते हैं, प्लूरल वर्ब दे देते हैं। एस और ई एस वाली फॉर्म इसके साथ यूज हो सकती है, जो कि यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, देखो द प्रेजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस, ये गलत क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे नहीं यूज होगी, कांट भी यूज है, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी यूज नहीं कर रहे थे, ये ध्यान से देख लो, और यहाँ पे भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक डिफरेंस है यहाँ पे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन एंड ग्रुप कलेक्टिव नाउन में, कि इसके साथ हम इसको सिंगुलर ट्रीट करके सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, उसको प्लूरल ट्रीट करके प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इसके साथ भी ई एस वाली फॉर्म नहीं यूज होती है, कैंट भी यूज है, इसके साथ भी एस और ई एस की फॉर्म कांट भी यूज है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, द प्रेजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस, ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि प्लूरल ट्रीट करना था, प्रेजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज नहीं होगा, आर होगा, आर वेरी लेबोरियस, प्लूरल वर्ब देना है। द प्रेजेंट्रीज ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस, अब यहाँ पे आर तो यूज कर लिया जो कि करेक्ट है, बट प्रेजेंट्रीज नहीं होगा, एस या ई एस की फॉर्म नहीं यूज करते। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? द प्रेजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस, ठीक है, दिस वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट आपके ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट देखो, अच्छा देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट? अच्छा, अब प्रेजेंट्री ग्रुप कलेक्टिव नाउन में भी एक छोटा सा एडिशन है, नोट, पीपल व्हेन यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्री इज कंसिडर्ड कॉमन नाउन एंड कैन बी चेंज टू पीपल। अब मैंने आपको क्या बोला, पीपल वर्ड बेसिकली क्या है, इट इज अ ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है तो इसके साथ ई एस या एस की फॉर्म हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर पीपल वर्ड जो है वो कंट्री के कंटेक्स्ट में यूज किया गया है, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा और उसके साथ ई एस या एस की फॉर्म फिर आप यूज कर सकते हो, पीपल का पीपल्स हो जाएगा फिर। जैसे इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया, इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं दे आर दी पीपल ऑफ एशिया, या एशियंस हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उस केस में आप ये जनरल स्टेटमेंट बात कर रहे हो इंडिया के लोगों की, राइट? ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपका इज द पीपल ऑफ एशिया, राइट? अब यहाँ पे देखो, अगर कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो, इंडिया चाइना पाकिस्तान आर पीपल ऑफ एशिया, यहाँ काफी कंट्रीज मेंशनड है, तो उस केस में आप पीपल्स यूज कर सकते हो रादर देन पीपल। तो इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे इतने सारे आपको सब्जेक्ट्स गिवन है, और उस केस में आप बेसिकली यहाँ पे पीपल की जगह पीपल्स यूज कर सकते हो, सिर्फ कंट्रीज के केस में यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, चाइना का जो ऑफिशियल नेम है दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो इस तरीके से आप उसको प्लूरल में एस या ई एस की फॉर्म के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेन एवर द पीपल ऑफ सम स्पेसिफिक कंट्री आर टॉक्ड अबाउट, या किसी कंट्री का ऑफिशियल नाम ही ऐसे शुरू हो रहा है और उसमें बेसिकली उस तरीके से वर्ड को यूज किया गया है, ठीक है, अब यहाँ पे एस की फॉर्म जो है वो यूज की गई है इनके ऑफिशियल नेम में, तो उस केस में वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन जो है, आप इसको क्या करोगे, याद रखोगे, राइट? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो पीपल जो वर्ड है वो अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, पर इसकी एस वाली फॉर्म या ई एस वाली फॉर्म आप कब यूज करते हो, जब किसी कंट्री या किसी पर्टिकुलर के पीपल की, बहुत सारी कंट्रीज हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के पीपल की बात हो रही होती है, तो हम उसको कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करके उसको एस वाली फॉर्म जो है वो दे देते हैं, राइट? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड जो है, थर्ड टाइप, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन पढ़ा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है? अ कलेक्शन दैट्स मेंबर्स आर ईदर यूनानिमस और डिफरेंट इन ओपिनियन। ठीक है, देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट। देखो एक ग्रुप है, एक ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, आपको ये तो पता है कि ग्रुप ऑफ मेंबर है, पर आपको ये नहीं पता कि उस ग्रुप में है कौन कौन, उसमें सारे मेल्स हैं या उसमें सारी फीमेल्स हैं, ठीक है, या फिर उसमें बेसिकली कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि मे बी जजेस हैं या मे बी इंजीनियर्स हैं, तो आपको जो ग्रुप का कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन जो है ग्रुप का, वो नहीं पता, पर आपको ये पता है कि यस इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जूरी, जूरी आपको पढ़ के ये पता चल जाएगा कि कुछ कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, पर उस जूरी में लोग हैं कौन कौन, आपको ये नहीं पता चलेगा, उसका कॉम्पोजिशन नहीं पता चलेगा कि जूरी में सिर्फ जजेस ही हैं, या फिर जूरी में मेल्स हैं या फीमेल है, या फिर जूरी में कुछ एनवायरमेंट के एक्सपर्ट्स भी हैं या कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, आपको कभी भी उसका कॉम्पोजिशन नहीं पता होगा, बस आपको इतना पता होगा इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो उसका जो कॉम्पोजिशन है वो यूनानिमस मेंबर्स जो होंगे, द कलेक्शन दैट्स मेंबर्स आर इधर यूनानिमस
और डिफरेंट इन ओपिनियन देर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट, कि या तो वो सेम ही मेंबर है या फिर वो अलग अलग मेंबर्स हैं, उनका डिफरेंट ओपिनियन है, वो नहीं पता चलेगा. ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को आप डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में डालते हो. जैसे कमेटी, कमेटी जो है वो कलेक्टिव नाउन है. कैसा कलेक्टिव नाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कमेटी वर्ड को पढ़ के आपको ये तो पता चल रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, पर कमेटी में है कौन कौन ये तो नहीं पता चल रहा. पार्लियामेंट, पार्लियामेंट वर्ड को पढ़ के आपको नहीं पता चल रहा कि किन लोगों, कौन लोगों की, कौन अंदर लोग हैं जिनकी बात हो रही है, ठीक है. बट यू नो कि पार्लियामेंट में जो लोग हैं दे आर सम ग्रुप ऑफ पीपल जो लेजिस्लेट करने के लिए बैठे हैं, ठीक है, राइट. आई होप इट इज क्लियर. तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो जिसकी आपको सर्टेनिटी नहीं होती कि उसके अंदर का कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है. इफ द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आर यूनैनिमस इट बिकम्स सिंगल. अब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो है उसके साथ आप दो तरीके से चीज कर सकते हो. नंबर वन, आप उसके साथ उसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो और प्लूरल सब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे तो कैसा हेल्पिंग वर्ब दोगे? सिंगुलर. और अगर प्लूरल की तरह ट्रीट करोगे तो क्या दोगे? प्लूरल. अब सिंगुलर की तरह कब ट्रीट करोगे? जब एक ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल कमेटी जो है, उनका सेम ओपिनियन है, तो उस केस में आप उसको वन होल की तरह, अ होल की तरह ट्रीट करके, यानी वन एंटिटी की तरह ट्रीट करके सिंगुलर मानोगे और सिंगुलर सब उसको हेल्पिंग वर्ब दे दोगे. लेकिन जब इस कमेटी में आपको डिफरेंस इन ओपिनियन देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको लगेगा कि कमेटी का एक मेंबर कुछ बोल रहा है, एक मेंबर कुछ बोल रहा है, ये तो डिफरेंट इन ओपिनियन है, इनकी ओपिनियन में डिफरेंस है, तो उस केस में आप उस पूरे वर्ड को, उस पूरे कमेटी वर्ड को प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करके प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोगे. देखो, जैसे देखो, द कमेटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप, जैसे कि एग्जाम्पल, द कमेटी हैज टेकन बोल्ड स्टेप. अब द कमेटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप, अब इसमें कमेटी हैज टेकन बोल्ड स्टेप, इस पूरे सेंटेंस में क्या लग रहा है? कि सबने मिलके एक बोल्ड स्टेप लिया होगा, तो हेंस इसके साथ कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज किया? हैज यूज किया, ठीक है, हैज यूज किया. लेकिन सोचो, अगर मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखूं, द कमेटी एनी बोल्ड स्टेप, द कमेटी डैश नॉट टेकन, द कमेटी हैव हो जाएगा यहाँ पे. क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे नॉट वर्ड यूज्ड है, जो कि किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, कि कमेटी जो होगी वो डिवाइडेड होगी, इसी वजह से एक बोल्ड स्टेप पे नहीं पहुंच पाई है, ठीक है. तो इस केस में आप बेसिकली क्या यूज कर रहे हो? हैव हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो, और इस केस में क्या यूज कर रहे हो? हैज हेल्पिंग वर्ब. कमेटी हैज टेकन बोल्ड स्टेप मतलब कमेटी के सब मेंबर्स अग्री कर गए होंगे और उन्होंने फिर उसके बाद एक बोल्ड स्टेप या बोल्ड डिसीजन लिया. और इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या पता चलता है? कि कमेटी डैश नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप मतलब कमेटी जो होगी वो डिवाइडेड इन ओपिनियन होगी, इसी वजह से वो एक बोल्ड डिसीजन या बोल्ड स्टेप पे नहीं आ पाई है. हेंस यहाँ पे कमेटी के मेंबर्स को मैंने अलग अलग सब्जेक्ट मानते हुए प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर किया और यहाँ पे प्लूरल वर्ब जो है वो बेसिकली उसको दे दिया. आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा. ये देखो, अब यहाँ पे इसमें भी यही एग्जाम्पल यूज किया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो है उसके साथ आप बेसिकली सिंगुलर ट्रीट करते हो, सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में द कमिटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस. और दूसरा क्या एग्जाम्पल है? डिफरेंस इन अगर ओपिनियन है तो उसको बेसिकली प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर करोगे और प्लूरल वर्ब दोगे. डिफरेंस इन ओपिनियन का एग्जाम्पल ले रहा, द कमेटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप, विच मीन्स कमेटी में जो डिफरेंट मेंबर्स होंगे उनका ओपिनियन एक होगा ही नहीं, वो एक डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पाए होंगे, तो वो एक तरीके से डिफरेंस इन ओपिनियन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. तो कमेटी वर्ड जो कलेक्टिव नाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, उसके साथ आप बेसिकली क्या कर सकते हो? यू कैन यूज सिंगुलर वर्ब ऑल्सो जब आप उसको सिंगुलर ट्रीट करोगे, और उसके साथ आप बेसिकली प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हो जब आप उसको प्लूरल ट्रीट करोगे. प्लूरल कब ट्रीट करोगे? जब डिफरेंस इन ओपिनियन होगा, ठीक है. देखो, एस और ई एस कांट बी यूज विद इट. अब कमेटीज नहीं हो सकता, ठीक है, दिस वुड बी रॉन्ग, ठीक है. ज्यूरीज नहीं हो सकता, दिस वुड बी रॉन्ग. अब ज्यूरी ही लिखोगे तो एस और ई एस की फॉर्म आप इसके साथ क्या करोगे? यूज नहीं करोगे. आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. वॉट इज देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड? देखो, इतना आई होप सबको क्लियर है, ठीक है. तो
तो नेक्स्ट जो है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हम कल की क्लास में करेंगे. आज के लिए हम कलेक्टिव नाउन तक ही वाइंड अप करेंगे, और कल हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे कलेक्टिव नाउन को. किसी को भी कोई डाउट्स होंगे तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी. अभी किसी को कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लो. ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी के लिए मैं बेसिकली क्या करूंगी, आई विल बी वाइंडिंग अप द क्लास फॉर टुडे. और बेसिकली क्या आ जाएगा, कल के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, कल मिलेंगे सेम टाइम पे और इस चैप्टर को आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल मीट टुमारो. आई विल सी यू टुमारो इन टुमारोज क्लास. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. थैंक यू सो मच. वेट.